उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देकर जनता जनार्दन ने एक बार फिर राष्ट्र की बागडोर महानायक नरेंद्र मोदी को सौंपने का आदेश दिया है। मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर के निर्माण का इन सारे विषयों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों सरकारें न्योछावर हो जाए और भी स्वीकार है, लेकिन इन मंदिरों का बनना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहा है और ये उनके कामों के आधार पर है। जो काम उन्होंने किए थे दो कार्यकाल में उसकी के आधार पर ये सब हुआ है। वो ईवीएम के बारे में बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, कहां से ईवीएम उनके सीट के लिए क्या हुआ, गड़बड़ हुआ है क्या, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे उसमें ईवीएम का क्या इफेक्ट रहा है, बोले भाई उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जब हारते रहते हैं तो ईवीएम ध्यान आता है और जब जीत जाते हैं अधिक वोटों से तब ईवीएम ध्यान नहीं आता है। अभी ईवीएम के बारे में पहले बताएं, बाद में दूसरी बात करेंगे। देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसको सरकार बनाना है। अब उनका गठबंधन है, वो अपना काम करेंगे। अयोध्या जी में भगवान के मंदिर बनने का इन सारे विषयों से कोई लेन देन नहीं है। 500 साल पुरानी प्रतीक्षा समाज की पूरी हुई है और ऐसे मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों सरकारें न्यौछावर हो जाए तो भी स्वीकार है, परंतु इन मंदिरों का, इन मान बिंदुओं का बनना हमारे देश के स्वाभिमान के लिए आवश्यक है और इसलिए ऐसा किया गया है। मसला यह है कि उत्तर प्रदेश में हमको कम सीटें मिली, महाराष्ट्र में कम सीटें मिली, इसका चिंतन किया जाएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि केरल में हमारा खाता खुला है, दक्षिण के राज्यों में भारत का भाजपा का बेस बढ़ा है, उड़ीसा जैसे बड़े राज्य में हमारी सरकार बनी है, अरुणाचल में हमारी सरकार बनी है, स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है, ये बड़ी उपलब्धियां हैं।